इंटरेस्टिंग. लेकिन देखिए विडम्बना कि मारुति का शेयर यहाँ पे करीब 0.25% नीचे है, लेकिन सुजुकी जापान में 7% नीचे, क्योंकि उनका जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑपरेशन है ग्लोबली कहीं पर भी वो मारुति सुजुकी इंडिया है. तो उन्हें ज़्यादा चिंता है कि ठीक है हमें रॉयल्टी तो ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये रॉयल्टी ज़्यादा मिलने से इन्हीं की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कुछ हद तक अफेक्ट होगी, उसी पर असर पड़ेगा. बिल्कुल. इसमें और एक फैक्टर भी है शर्मा जी, इनफैक्ट कि ये ग्लोबल करेंसी वॉर एक तरफ है, फिर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से यू नो ही इज ट्रम्पेटिंग हिज वे, और अगर कहीं गलती से उन्हें रिपब्लिकन नॉमिनेशन मिल गया तो आई थिंक इंडियन मार्केट्स विल बी रियली स्पूक्ड. तो बैंकिंग का प्रॉब्लम, फिर आईटी का प्रॉब्लम, फिर करेंसी वॉर जिसके चलते मारुति जैसे स्टॉक्स का प्रॉब्लम. सो आई थिंक जो आपने एक बात काफ़ी सही कही कि आने वाले जो 5-6 महीने हैं वो दरअसल काफ़ी डिसाइसिव हैं इवन अ मीडियम टर्म ट्रैजेक्टरी सेट करने के लिए इंडियन मार्केट की. देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, और जहाँ ट्रंप को लेते हैं पहले, तो ट्रंप के रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने के चांसेस हैं नहीं, वो बने रहे हैं उनके लीड को देखते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है. और क्योंकि ट्रंप लीडर बन रहे हैं तो यहाँ पे और ये देखते हुए कि जो फेड है उसकी जो आगे का जो उन्होंने बोला है वो काफ़ी बेरिश या हॉकिश नहीं होके डोविश बोला है, तो उस दृष्टि से डॉलर लगातार कमज़ोर होना, जीडीपी भी यूएस की कमज़ोर होना, तो इस तरह का जब माहौल रहेगा एक, तो वहाँ पे मेरा ये मानना है कि यूएस मार्केट्स अच्छा कर सकते हैं. और अक्सर जो कैंडिडेट है वो रूलिंग पार्टी वाला जो प्रेसिडेंट है वही दोबारा आता है, तो उस चांसेस उस हिस्ट्री में अगर देखने के लिए जाएँ तो ऐसे माहौल के अंदर मेरे ख्याल से ट्रंप उनका रिपब्लिकन्स का वो तो जीत लेंगे उनका नॉमिनेशन, लेकिन प्रेसिडेंशियल सीट नहीं जीत पाएंगे. तो उस दृष्टि से ये प्रीमेच्योर होगा ये सोच पाना कि वो अगर आ गए तो क्या होगा. मेरे ख्याल से उनके आने के चांसेस हिस्ट्री को देखते हुए प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ही कम है, और इसकी चिंता हमें तो नहीं लगती. मेरे ख्याल से ये जो प्रकरण है पूरा यूएस डॉलर के कमज़ोर होने का ये चलता रहेगा, और यूएस में किसी प्रकार का हाई आप नहीं देखेंगे, और उसके चलते हुए S&P 500 शायद हो सकता है एक बार अपना उच्चतम लेवल क्रॉस करके ऊपर की ओर भी जाए नवंबर तक. इस बीच आप देखिए कुछ और स्टॉक्स, डॉल्फिन ऑफशोर को करीब 100 के स्तर पर ये तेजी दिखाता हुआ, और साथ ही साथ आप एक ARSS इंफ्रा को देखिए. ये दो स्टॉक्स अगर आप देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी अच्छी खासी अगर आप देखिए तेजी यहाँ पर है, अच्छे मूव के साथ ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे कारोबार कर रहे हैं. और एक दो छोटे स्टॉक्स का जिक्र यहाँ पे कर देता हूँ. डेफिनेटली फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन ये करीब करीब 90-90 पर लगभग 43,000 शुरू के कारोबार के बीच ये अच्छी तेजी दिखा रहा है. इसमें अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मूव है. और बायोकॉन अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है. उसके बाद फिर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक अरविंद दिखिए, ये करीब करीब 3,27,000 शुरू के कारोबार के बीच डे हाई पर. और जेट एयरवेज को देखिए अब करीब करीब 5% ऊपर लगभग 627 की ट्रैजेक्टरी में. आई थिंक जो प्रेशर है इंडिगो का, आई थिंक मिहिर उससे थोड़ा सा हटके इसका चलना ऐसा, आई थिंक उस न्यूज़ में क्या पता कुछ रियलिटी हो. आगे बढ़ते हैं, उस पर मैं रिसर्च नहीं करूँगा. फिर आप देखिए एक और काउंटर जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव है, वह कास्टेक्स मूव जनरेट कर रहा है. इसमें एक मूव है, बाकी पूरा का पूरा शुगर स्पेस वो इस वक्त सबसे अव्वल दर्जे के मूव के साथ विद स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम्स इस वक्त ऑलमोस्ट डे की ट्रैजेक्टरी पे कारोबार कर रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. चलिए हरि, आप कोई व्यू देना चाहेंगे जाते जाते? स्पेसिफिक कौन से स्टॉक में? नहीं, नॉट ऑन अ स्टॉक, पर ओवरऑल स्ट्रेटेजी मई में क्या रहनी चाहिए कंसिडरिंग दैट देयर आर मल्टीपल ट्रिगर्स और बैंक्स को लेकर इतनी कंसर्न है? देखिए मैं मानता हूँ कि एज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी आप डेफिनेटली निफ्टी पे पुट्स खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि बिकॉज वंस द बैंकिंग रिजल्ट स्टार्ट डेफिनेटली मार्केट पे थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, आईटी का प्रेशर भी बना रहेगा. तो मैं मानता हूँ कि पुट्स खरीद के हेज कीजिए, बट मुझे ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं दिख रहा जहाँ कि आपको अपना पोर्टफोलियो सेल करके बाहर निकलना पड़े या फ्यूचर्स एग्रेसिवली शॉर्ट करना पड़े. आई थिंक आप प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली पुट्स खरीद के रख सकते हैं मई में. हरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसका एक मुशावरे के लिए. शर्मा साहब आखिरी प्रश्न आपसे, अगर कंफर्टेबल हैं आप हाल ही में जिन कवरेज
जिन कवरेज में आपने जिन स्टॉक्स को शामिल किया हो, अगर एक दो स्टॉक्स हमारे व्यूअर्स के शेयर कर पाए तो स्टॉक स्पेसिफिक। जी, वो तो जो हाल ही में शेयर किया केएसबी पंप्स, वो मैंने आपके शेयरहोल्डर्स, आपके दर्शकों के साथ अभी भी शेयर किया। लेकिन जो एक दूसरी जो मेरी मोटी बात है, जो मैंने दर्शकों के साथ, हमारे जो ब्रांचेस हैं, हमारे जो डीलर्स हैं, उनके साथ जो शेयर किए, जो अपने क्लाइंट्स को बताएंगे, वो ये कि ये मौका है लेने का, मई में समय है लेने का। क्यों? क्योंकि मॉनसून बेहतर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, आपका जो यूएस, जो हमारे जो एनडीए के जो नंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर, वो जून तक पॉजिटिव हो जाएंगे, तो जीएसटी बिल पास होगा। तो अगले दो महीनों में ये दो चीज़ होंगी। एक तो पहले बात तो ये होगा आपका कि आपका जो मॉनसून आएगी, जो अभी तक दो साल में हमने देखी नहीं है। तो मोदी जी तो आ गए लेकिन मॉनसून नहीं आया दो साल से, वो इस बार आएगा। तो इसका आप जो इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमी पे, बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे। और जून तक तो ये नंबर आ जाएंगे, तो जीएसटी बिल भी पास होगा, और वो सबसे बड़ा एक तरह से आप बोलिए कि हमारा डेवलपमेंट होगा फाइनेंशियल मार्केट्स में। और ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद में आप इंडिया की री रेटिंग देखेंगे। वो रेटिंग एजेंसी जो अभी तक दूर भाग रही हैं, बाद में आके इसको अपग्रेड करेंगी, तब तक मार्केट छा चुका होगा। तो मेरे ख्याल से बेधड़क होके कॉन्फिडेंटली इस मार्केट में स्टॉक्स लीजिए, और वो ऑब्वियसली लार्ज कैप स्टॉक लीजिए, और जो निफ्टी के पर्टिकुलर्स हैं या जो स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये समय होगा वीकनेस का उन स्टॉक्स को लेने का, और कंफर्टेबली फिर आप उनको लेके भले 6 महीने की लंबी छुट्टी पे जाएं। बिल्कुल, चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इसी के साथ फर्स्ट एड को ही ख़त्म करते हैं।